जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जारी जंग के बाद दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस बदले हालात में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद भी भारत जरूरतमंद देशों को इनकी आपूर्ति कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत ने घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए मई में गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इसके बाद भी भारत ने कई देशों को लाखों टन गेहूँ का निर्यात किया है। वहीं फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे ने बताया कि 13 मई को लगाई गई पाबंदी के बाद से अब तक भारत ने करीब एक दर्जन देशों को 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इसमें से बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर 50,000 टन गेहूँ देने की प्राथमिकता जाहिर की गई थी। इसमें से करीब 33,000 टन गेहूँ अफगानिस्तान को निर्यात किया जा चुका है। वहीं बता दें कि पांडे ने कहा कि भारत ने अपनी 1.38 अरब लोगों की आबादी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हमेशा दुनिया की ज़रूरतों पर गौर किया है। उन्होंने कहा यहाँ ये बता देना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया। ये फैसला अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही ज़रूरतमंद देशों की मदद करने के लिए लिया गया था। भारत प्रतिबंध के बाद भी पड़ोसी देशों और ज़रूरतमंद देशों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा है। वहीं फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे ने इससे पहले बताया था कि भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इसके अलावा भारत सरकार गेहूं को लेकर आए कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर भी विचार कर रही है। पांडे ने कहा कि प्रतिबंध के बाद इस साल 22 जून तक भारत ने 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई, वियतनाम, यमन जैसे देशों को पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस साल अब तक 4 गुना गेहूं का निर्यात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।